अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त हम पाकपतन के गांव आरफाबाद में मौजूद हैं, जहाँ हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पे एक सैयद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो कि मुल्तान से आए हैं और माशाल्लाह फलाही कामों में उनका बहुत नाम है। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद रखी है, उस हवाले से हम चलते हैं सैयद साहब के पास और उनसे मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सैयद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, शुक्र उसका परवरदिगार का जो उसने हमें इस हाल में रखा, तो उसका लाख लाख शुक्र है। कि मैं वैसे दुनियादारी कहता था, गवर्नमेंट मुलाजिम था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन ड्यूटी थी और मैं लेबर यूनियन भी था, मैं डिवीज़न डेरा गाजी खान में प्रेसिडेंट भी था डिवीज़न। उसके बाद मैं पंजाब लेवल पर भी और ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के अंदर भी मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था, ILO का भी मुझे मेंबर बनाया गया। लेकिन वो दुनियादारी थी, मैं सोचता था मैं रिटायरमेंट के बाद दुनियादारी के हिसाब से कोई सीमेंट की एजेंसी खोलूँगा या खाद की एजेंसी खोलूँगा। लेकिन मेरी इसी दौरान डॉक्टर मोहम्मद इमरान मोहम्मद सैफी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान के अंदर आप रिहाइश पजीर हैं इस टाइम 1981, आप बहुत बड़ा मदरसा बना रहे हैं तकरीबन 1 मुरब्बे के अंदर। उनकी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे दीन के मुताबिक समझाया और मेरी दुनिया तब्दील हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुनियादारी से दीन की तरफ रागिब हो गया। मेरा पूरा घराना इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करता है। मेरी एक साहबजादी ने MA भी किया इंग्लिश में भी और MA इस्लामियात किया है और आलमा फाजला है, मुर्शद के आस्थाने को खाती थी। अब उन्होंने ड्यूटी यहाँ मेरी पाकपतन शिफ्ट लगाई है, यहाँ पर मैं आया, यहाँ मैंने महफिलें कराई, लोगों को जिक्र असगार लगा, लोगों ने मोहब्बत दी और यहाँ पर एक ही मुरीद के वालदा ने ज़मीन दी 2 कनाल जो कि फ्री दी। मैंने उस पर जब रिटायरमेंट हुआ, मैंने जो रिटायरमेंट का मुझे पैसा मिला कुल्लू हूँ, मैंने पैसा इसमें मदरसे में लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह मदरसा जारी सारी है, यहाँ तालीम शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये क्योंकि चल रहा है, बन रहा है, मुकम्मल तौर पर अभी इसके मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला 2 कमरे तैयार हो गए हैं, इसका वो खाना तैयार हो गया है, एक हुजरा जो बैठने की जगह है वो ऑफिस जिसे कहते हैं वो तैयार हो गया है, मस्जिद कंप्लीट हो गई है, उसकी छत डलनी है इंशाल्लाह ताला, 2 कमरे और तैयार हो गए हैं, उनकी भी छतें डलनी है और वाशरूम भी तैयार हो गया है, गेट भी अब लग गया है और यहाँ पर तालीम बच्चों की शुरू है, छोटे बच्चे आने लगे हैं। जैसे ही यहाँ का पर्दे का मुकम्मल निज़ाम हो जाएगा तो बड़ी बच्चियाँ भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तालीम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। पीर मुर्शिद की नज़र से, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुआ से, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह मैं इसमें मुझे कामयाबी होगी और मैं अपना मुजफ्फरगढ़ शहर छोड़कर, मुल्तान छोड़कर, मैं यहाँ पाकपतन आया, मुर्शद ने मेरी ड्यूटी लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आ गया हूँ और काम शुरू कर दिया है। दीन के लिए मैं तो कहता हूँ कि दीन के लिए चंद दिन की ज़िंदगी है, दीन के लिए सर्फ की जाए। हम दुनिया पे फिरते हैं लेकिन नहीं, जो मुझे मज़ा, जो मुझे लुत्फ, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सुकून महसूस हुआ है, जो मुझे जिक्र करने से जो कल्बी सुकून मिला है अल्लाह के जिक्र से, वो मुझे कभी नहीं मिला था, जो अब मिला है और मैं पुरसकून हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पुरसकून हूँ। देखने के लिए लोग मुझे कहते हैं यार अपने घर रहो, बच्चों में रहो, बुढ़ापा है, मैं कहता नहीं, जो अब मज़ा आ रहा है, जो लुत्फ आ रहा है, जो सुकून मिल रहा है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें इंशाल्लाह ये जगह तैयार हो रही है, अभी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, बताते हैं और अल्लाह ताला आपको आमिन आसर हिफाजत में रखे, अल्लाह तो ताला मुझे सलामत दे। सैयद साहब हमें थोड़ी सी ये बताएं कि आप माशाल्लाह मुल्तान से यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो यहाँ के मकामी जिम्मेदारों ने भी आपसे कोई तावन किया? जिस तरह अभी बता रहे हैं कि आपके वो जो मुर्शिद आपके क्या थे, वो जिन्होंने आपको जगह दी है, हाँ जी, कमरुद्दीन साहब हैं, मुरीद थे आपके? दिलशाद साहब मुरीद हैं, उनके साहबजादे, तो ठीक है उनकी वालदा मोहतरमा ने जगह दी है मुझे, ठीक है तो 2 कनाल जगह दी है ठीक है और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पैसा लगाया, सही अपनी जाती जेब से लगाया है। अब लोग शुरू हो रहे हैं लेकिन अभी तक किसी बड़े जिम्मेदार की तरफ से मुझे किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है, सही इल्म ही है नहीं है कि गाँव है ये, शहर तो नहीं है, सही तो लिहाजा जैसे जैसे इल्म होगा लोगों को बेशक इंशाल्लाह यहाँ पर लोग मदद भी करेंगे। तो ये मदरसा भी है और मस्जिद भी है और ये बराए ख़वातीन का है सही और इसका अनवारुल तलीयात मुहम्मदिया सैफिया मदरसे का नाम है सही और इस्लामिक सेंटर मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सैफिया रहमतुल्लाह जो मेरे पीर मुर्शिद हैं, ये उसकी ब्रांच है।
सही है। बड़ा मेन जो है वो हमारा मरकज वो 19 कस्सी अनवार मदीनिया। तो व्यूवर्स, ये हमारे साथ एक मकामी यहाँ के जिम्मेदार हैं जिनके रेफरेंस से हमें पता चला है कि यहाँ पर सैयद साहब तशरीफ लाए हैं जो कि मुल्तान से, और उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद रखी। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये इनको कब से जानते हैं और इलाके में रहने के बावजूद इनका लोगों के साथ कैसा सलूक है, उसके बाद आपको मदरसे का भी रिव्यू करवाते हैं कि कितना काम हो गया है तो कितना काम बाकी रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो आप से हमें ये बताएंगे, शमून क्या नाम है सर आपका? जी शमून, मोहम्मद शमून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ये बताएं कि ये बुजुर्ग सैयद साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? ये जी अभी तो हम देख रहे हैं 4 साल से, लेकिन ये बताते हैं बुजुर्ग हमारे के बचपन इन्होंने इधर भी गुजारा है, लेकिन जब हम जवान हुए तो ये मुल्तान शरीफ। चलो माशाल्लाह। लेकिन दोबारा अब हम देख रहे हैं इन्हें 4 साल से, माशाल्लाह इन्होंने जंगल में मंगल लगाया हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। जब इधर आप हालत देख ही रहे हैं कि सही है। तो चलें जी व्यूवर्स, ये हमारे साथ मोहम्मद शमून से जो मकामी यहाँ के जिम्मेदार हैं जिनके रेफरेंस से हमें पता चला है कि यहाँ एक मदरसा ज़ेर तामील है, तो हम चलते हैं मदरसे का रिव्यू आपको करवाते हैं। आइए सैयद साहब, हमारे साथ सब बना हुआ है तो इसकी ये आपको कंडीशन बताते हैं जी। ये अभी मिस्त्री मजदूरों के लिए पानी स्टोर करने के लिए, अगर बिजली चली जाए तो इसमें पानी हमें इकट्ठा होता है। ठीक है। ये जब शुरू हुई बरामदा मस्जिद का तैयार किया है और ये मस्जिद का हाल तैयार हुआ है, आगे मेहराब तैयार हुई है, सही है। ये इधर जो छोटा सा कमरा है स्पीकर वगैरह रखने के लिए, इधर जो साइड पे और छोटा सा कमरा बनाया है वो इमाम साहब के आराम करने के लिए, या कोई मसला मसाइल कुछ नहीं आएगा तो उसके लिए इंशाल्लाह जैसे इसकी छत पड़ जाती है उसके बाद इसका फर्श तैयार हो जाएगा। चलें ठीक है। तो इसके अलावा वो जो पूरा थोड़ा सा हमें रिव्यू करवा दें। तो व्यूवर्स, आपने देखा सैयद साहब यहाँ मौजूद थे हमारे साथ, माशाल्लाह उन्होंने एक मदरसे की जो है तामीर का सिलसिला शुरू किया हुआ है, यहाँ के मकामी लोग भी उनसे तआवुन कर रहे हैं। तो उनके पास जायज कैश अकाउंट नंबर है, तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा ताकि जो लोग इमदाद करना चाहें, इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहें, वो उनसे डायरेक्ट रब्ता करके उनका नंबर उनका नाम मैं नीचे दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल जो गैस दैट टीवी के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।